मतलब हमको देखने के लिए ऐसे से ऐसे करना पड़ रहा है तब जाके दिख रहा है। काली झरना पहुँच चुके हैं देख सकते हो, और यार यहाँ तक कोई नहीं है ना। हम तो नाश्ता करने के लिए समोसा हमने रख लिया है। तो दोस्तों चलते चलते हालत ख़राब हो गया है, तो दोस्तों रानी झरना आ गए हैं है ना, तो चलिए आगे चलते हैं। हालत ख़राब हो गया है एकदम है ना, तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं और दिखाते हैं आपको कैसा है यहाँ का नज़ारा। तो नाश्ता करने के लिए समोसा हमने रख लिया है, तो आगे जाकर खाएंगे। चलो तो अभी मैं रानी झरना का अंदर आ चुके हैं और ये देख सकते हो पूरा है ना। दोस्तों रानी झरना एक ऐसा जगह है जहाँ पर आपको प्रकृति का एक अनुपम दृश्य देखने को मिलता है, तो भाई चारों दिशा देखने में मज़ा आ जाता है। तो ये देख सकते हो भाई पूरा जंगली इलाका। तो यहाँ पर देख लो ये है रानी झरना और जस्ट ऊपर में पहाड़ है, पहाड़ जो है बहुत ऊपर में है। चलिए चलते हैं रानी झरना और दिखाते हैं आपको। तो अभी जो है हालत ख़राब हो गया है चलते चलते। दोस्तों रानी झरना जाने के लिए आपको कुछ दूर चलना पड़ता है, और दोस्तों जब आप रानी झरना में आगे बढ़ रहे होते हो तो आपको यार बहुत ही अच्छे अच्छे दृश्य दिखाई देते हैं। चारों तरफ यार पहाड़ ही पहाड़, और बीच में जो झरना है वो बहते हुए आता है, तो चारों इलाका जंगली इलाका है यार, देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों चलते चलते हालत ख़राब हो गया है। रानी झरना आने के लिए आपको लगभग 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। हालत ख़राब हो गया है अभी, ये देख सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो एरिया, इस साइड भी पहाड़, सामने भी पहाड़, इस साइड भी पहाड़, और यहाँ से हम लोग आए हैं अभी। ये देख सकते हो झरना जा रहा है बहते हुए। तो दोस्तों सामने एक पहाड़ देखो कितना बड़ा है। तो दोस्तों देख लो यहाँ पास कितने सारे गाय आए हुए हैं, ये देख सकते हो नज़ारा। तो दोस्तों यहाँ को देखो यार पानी बह रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ना। तो दोस्तों चलते चलते हालात खराब हो गया है अभी से, रानी झरना नहीं आया है, ये देख लो। आ जाओ चलते हैं आगे। तो दोस्तों चलते चलते हालत ख़राब हो गया है, और रानी झरना यही इस बातचीत में आ गया, मतलब पहुंच गया, ये देख सकते हैं। चलो लेके चलता हूँ घूमना। रानी झरना है ना भैया, पूरा हालत ख़राब हो गया, बहुत दूर में चलना पड़ता है, और भाई पत्थर। और दोस्तों पहुंच चुके हैं रानी झरना। दोस्तों ये जो आप सीन देख रहे हो ये है रानी झरने का जस्ट बाहर का नज़ारा, तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। देख सकते हो कितना खतरनाक जगह है। हाय तो यार हाँ फाइनली रानी झरना पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों ये है रानी झरना, देख सकते हो कितना ऊंचा है ना। अरे पास करके दिखाता हूँ।
पानी झरना पहुंच चुके हैं, देख सकते हो। और यार यहाँ तक कोई नहीं है ना, हम ही लोग हैं, देख सकते हो। कोई नहीं है यहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, देखो। दोस्तों रानी झरना काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये देखो है ना, जस्ट अपने पीछे में रानी झरना। और यार ये जो एरिया है ना काफ़ी बड़ा है, देखो बहुत ज़्यादा ऊंचा है। और रानी झरना कोरबा का सबसे बड़ा झरना है, जिसका हाइट यार लगभग 100 फीट से भी ज़्यादा है, देख सकते हैं। मतलब हमको देखने के लिए ऐसे से ऐसे करना पड़ रहा है, तब जाके दिख रहा है। तो रानी झरना जस्ट पीछे में है और ये जस्ट उसके साइड का एरिया रानी झरना है, जो वहाँ पर देख सकते हो। एंड आज इधर का नज़ारा दिखाता हूँ, ये देख सकते हो रानी झरना का इलाका, पूरा पहाड़ ही पहाड़ है। दिमाग खराब हो गया भाई, यहाँ तो रास्ता खोजना पड़ रहा है भाई। ये देखो अब दोस्तों कहाँ तक पहुँच चुके हैं, देखो ऊपर से जाते हैं और हम लोग नीचे से आ गए। अब जाने के लिए भाई साहब जगह ही नहीं है यहाँ पर। दोस्तों यार रानी झरना से वापस आते समय हम लोग रास्ता भटक गए थे और यार 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा आगे चले गए थे, है ना, तो हमें फिर वापस आना पड़ा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में नए हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर से करो और वीडियो को लाइक कर देना यार, बहुत मुश्किल से बनता है ना वीडियो, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।